बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम मीराबाई था। मीराबाई के पिता राजा चंद्रसेन उसे बहुत चाहते थे और उसकी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करते थे। मीराबाई का बचपन एक महल में बीता था, लेकिन उसके मन में हमेशा आजादी का एक सपना था। उसे बाघों में घूमना, दूर तक फैले जंगलों को देखना और खुले आकाश के नीचे सोना बहुत पसंद था। मीराबाई का एक बचपन का दोस्त था, एक बंजारा जिसका नाम था विक्रम। विक्रम का परिवार घुमंतू था और हर साल अपने काफिले के साथ इस राज्य से गुजरता था। जब भी विक्रम अपने परिवार के साथ राज्य के पास आकर रुकता, मीराबाई और विक्रम की दोस्ती खिल उठती। दोनों घंटों तक खेलते, साथ में कहानियां सुनते और एक दूसरे के साथ सपने साझा करते। विक्रम के साथ हमेशा उसका वफादार कुत्ता भी रहता था जिसका नाम था बादल। बादल सफेद रंग का और बेहद समझदार कुत्ता था। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे वह हर बात को समझता हो। मीराबाई को बादल बहुत पसंद था। बादल मीराबाई और विक्रम का सबसे वफादार साथी बन चुका था। वह हमेशा उनकी हिफाजत में रहता और उनके हर कदम का पहरेदार बन जाता। समय बीता और मीराबाई और विक्रम की दोस्ती में धीरे धीरे एक गहरा जुड़ाव होने लगा। विक्रम और मीराबाई अब न केवल दोस्त थे बल्कि एक दूसरे के मन में एक खास जगह बना चुके थे, लेकिन इस प्यार का इजहार उन्होंने कभी नहीं किया। वे जानते थे कि मीराबाई का रास्ता अलग है। वह एक राजकुमारी है जिसे एक दिन रानी बनना है। दूसरी ओर विक्रम एक बंजारा है जो घुमंतू जीवन जीता है, उसका कोई स्थायी घर नहीं। उनके रास्ते एक दूसरे से अलग होने थे और उन्हें यह बात भी पता थी, फिर भी उनका प्यार उनकी आंखों में झलकता था। उनकी मुलाकातें हर साल होती रहीं, लेकिन दोनों ने कभी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई। एक दिन जब मीराबाई और विक्रम का मिलन हुआ तो उनके बीच एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों को आभास हो गया था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। उसी साल राजा चंद्रसेन ने मीराबाई की शादी पड़ोसी राज्य के राजकुमार से तय कर दी। यह सुनकर मीराबाई के दिल को एक गहरा धक्का लगा। शादी के बाद मीराबाई को अपने नए राज्य और महल की जिम्मेदारियों में बंधना पड़ा। वह एक अच्छी पत्नी और रानी बनने के अपने कर्तव्यों में जुट गई, लेकिन उसका दिल हमेशा विक्रम और उसके बचपन की यादों के पास ही रह गया। उसे महल के बाघों में चलते हुए अक्सर विक्रम के साथ बिताए पल याद आते और बादल की यादें भी उसकी स्मृतियों में बसी रहती। कई वर्षों बाद मीराबाई अब राज्य की रानी बन चुकी थी। अपने कर्तव्यों में व्यस्त होते हुए भी उसका दिल विक्रम के प्रति अपने स्नेह को नहीं भूला था। एक दिन अचानक उसे खबर मिली कि बंजारों का एक काफिला महल के पास आकर ठहरा है। मीराबाई का दिल फिर से धड़क उठा। क्या विक्रम भी उनके साथ है? उसने गुप्त रूप से अपने एक विश्वासपात्र सेवक को भेजा और पता लगाने का आदेश दिया। सेवक ने लौटकर बताया कि विक्रम भी उसी काफिले के साथ आया है। मीराबाई ने उसी रात मिलने का फैसला किया। वह छुपते छुपाते महल के एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकली और उस जगह पहुंची जहां बंजारों का डेरा था। वहां विक्रम खड़ा था, लेकिन अब वह पहले से भी अधिक परिपक्व और आकर्षक लग रहा था। मीराबाई की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम और मीराबाई की नजरें मिलीं और जैसे उनकी आंखों ने बिना शब्दों के सब कुछ कह दिया। दोनों ने रात भर बातें की, अपने जीवन के हर उस पहलू को साझा किया जो उन्होंने एक दूसरे के बिना बिताया था। लेकिन उनके इस गुप्त मिलन को महल के कुछ पहरेदारों ने देख लिया। यह खबर राजा तक पहुंच गई। राजा को मीराबाई के प्रति किसी बाहरी व्यक्ति के झुकाव का शक हुआ। उन्होंने सख्त लहजे में पूछताछ की और जानने का आदेश दिया कि यह व्यक्ति कौन है। अगले दिन विक्रम और बादल को महल में बुलाया गया। राजा ने विक्रम से सवाल किए और उसके इरादों पर संदेह जताया। विक्रम ने अपने सच्चे इरादों के बारे में राजा को बताने का प्रयास किया, लेकिन राजा को शक था कि मीराबाई का झुकाव उसकी ओर है। मीराबाई ने राजा से विनती की कि वह विक्रम और बादल को छोड़ दें। उसने राजा के सामने अपने दिल की सच्चाई उजागर की और उसे बताया कि विक्रम उसका बचपन का दोस्त है और बादल के साथ उसकी यादें जुड़ी हुई हैं। राजा ने देखा कि मीराबाई की आंखों में सच्चाई थी, लेकिन उसकी रानी का झुकाव किसी बाहरी व्यक्ति के प्रति जानकर उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने एक मुश्किल निर्णय लिया
कि विक्रम को राज्य छोड़ना होगा, लेकिन उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जाएगी। विक्रम ने मीराबाई से विदा ली और उसके दिल में गहरे दर्द का एहसास हुआ। विदाई के उस पल में विक्रम और मीराबाई ने एक दूसरे से वादा किया कि वे कभी वापस नहीं मिलेंगे और इस प्यार को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखेंगे। बादल भी विक्रम के साथ जाने के लिए तैयार था, लेकिन मीराबाई ने उसे अपने पास रखने का निर्णय लिया। उसके लिए बादल विक्रम की यादों का एक अनमोल हिस्सा बन गया था। समय बीतता गया। मीराबाई ने अपने जीवन में विक्रम की यादों को संजो कर रखा। एक दिन उसे खबर मिली कि विक्रम की अचानक मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही मीराबाई पूरी तरह टूट गई। उसके दिल का आखिरी कोना भी वीरान हो गया। रात के अंधेरे में बादल अचानक महल के दरवाजे पर आकर भौंकने लगा। मीराबाई ने महसूस किया कि वह विक्रम की आत्मा को महसूस कर सकती है। बादल उसके करीब आया और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह विक्रम का संदेश लाया हो। अगली सुबह महल के द्वार पर बादल को मृत पाया गया। मीराबाई ने महसूस किया कि यह बादल का अंतिम बलिदान था। उसकी वफादारी और प्यार की इस निशानी को मीराबाई ने हमेशा के लिए अपने दिल में संजो लिया। मीराबाई ने अपने महल के एक हिस्से को विक्रम और बादल की याद में समर्पित कर दिया। कहते हैं कि आज भी महल में रात के अंधेरे में किसी कुत्ते की आवाज सुनाई देती है, जो अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा है। इस तरह मीराबाई और विक्रम की यह कहानी प्रेम, बलिदान और वफादारी की अमर मिसाल बन गई। तो दोस्तों, ये थी रानी मीराबाई और बंजारे विक्रम की अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें प्यार, त्याग और वफादारी की मिसाल कायम हुई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां ला सकें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगर आप मीराबाई की जगह होते तो क्या अपने प्यार के लिए इतना बड़ा त्याग कर पाते। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।